दिल्ली में ईडी की छापेमारी पर राजनीति भी तेज हो गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि जनता के लाल बनने का दावा करने वाले दलाल बन चुके हैं। वो तो करेंगे, देखिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, फलाना ढिमका, ये सारी एजेंसी सब तरह के वो करेगी। लेकिन इसे घबराना नहीं है। ये जब आदमी हार रहा होता है तब आदमी फिर यही सब करता है, फिर उसको और कोई चारा नहीं। आया था जनता का लाल बनकर, आया था जनता का लाल बनकर, रह गया शराब कारोबारियों का दलाल बनकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होती है जो शराब कारोबारी हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री आवास ना हो गया, घोटाले का अड्डा हो गया, वहां वसूली हो रही है, कमीशन तय हो रही है, और ये बात कोई और नहीं कहता है, जो एक्यूज्ड है दिनेश अरोड़ा ये कबूलते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह के घर रेड को साजिश करा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, वहीं ईडी इसी मामले पर संजय सिंह के सरकारी आवास पर रेड कर रही है। कथित शराब घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के घर पर ईडी कथित शराब घोटाले मामले में रेड कर रही है। ईडी की टीम सुबह 7 बजे उनके आवास पर पहुंची, जिसकी जानकारी खुद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर दी। संजय सिंह पर आरोप है कि वो नई शराब नीति में टेंडर फीस माफ करवाने में शामिल थे। संजय सिंह पहले दिन से ही शराब घोटाले के में मुख्य तौर पर धारा में थे, मुख्य तौर पर उनका रोल था। इससे पहले इसी साल मई के महीने में भी संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी। उस समय उनके सहयोगियों के घर और दफ्तरों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है, जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है, इनमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया है, सिर्फ 1 जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। और सिक्किम में बादल फटने की वजह से सिंगताम में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। उत्तरी सिक्किम में लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जो वहां आसपास के इलाकों में जमकर तबाही मचा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। तेज भाव की वजह से सड़क टूट गई है, या यूं कहें कि रास्ते में जो भी आया वो प्रचंड वेग में टूटता चला गया, बहता चला गया। बादल फटने की वजह से आए इस सैलाब की वजह से सिंगताम शहर पानी और मलबे में समा गया है, तो वहीं पानी के तेज बहाव की चपेट में आने की वजह से सेना के 23 जवान भी बह गए, जिनकी तलाश जारी है। तो वहीं प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं। यहां नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है अभी इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। अचानक मौसम बदलने के कारण उत्तरी सिक्किम में बाढ़ जैसी परिस्थिति, इस स्थिति में करीब 23 सेना के जवान बह जाने की आशंका किया जा रहा है। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। लालू राबड़ी समेत लैंड फॉर जॉब केस के 6 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कभी खुद को रेलवे का कायाकल्प करने वाला रेल मंत्री बताने वाले लालू यादव रेल मंत्री रहते अपने फैसलों को लेकर आज सवालों के घेरे में हैं। लालू यादव ही नहीं, लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनके बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। विपक्षी एकता की कवायद में जुड़े लालू यादव का आत्मविश्वास एक बार फिर से लौटने लगा है। लालू यादव का कहना है कि उनके लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। तो सुनवाई है लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में आप लोगों को? सुनवाई है तो होता ही रहता सुनवाई। आप लोग डरने वाले नहीं हैं? डरने का क्या, कुछ काम किया डरने वाला था उनका? सर
दरअसल ये मामला तब का है जब यूपीए 1 सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे और ये घोटाला 14 साल पुराना है। 2004 से 2009 के बीच अनियमितता पाई गई। लालू यादव पर जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगा। मामले में राबड़ी देवी का भी नाम है। इस केस की जांच सीबीआई ने 2021 में शुरू की थी। बीजेपी के दिल्ली नेतृत्व के हाथों में चली आ रही मध्य प्रदेश विधानसभा की कमान के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर भावुक नजर आए। सीएम शिवराज ने अपनी गृह विधानसभा बुधनी से जनता से पूछा कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य में सियासत गर्माती जा रही है। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल सीहोर में शिवराज ने जनता को संबोधित करते हुए चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने जनता से पूछा कि चुनाव लड़ना है या नहीं और यहाँ से लड़ना है कि नहीं। इस दौरान मौजूद लोगों ने मामा मामा के जमकर नारे लगाए। फिर सीएम ने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया। सीएम के इस बयान के राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम ने अपने संबोधन में कहा, मैंने राजनीति की परिभाषा बदल दी। कांग्रेस का राज आपने वर्षों देखा, कभी जनता के लिए ऐसी चिंता होती थी क्या? मैं सरकार नहीं परिवार चला रहा हूं। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी की राह देख रही कांग्रेस इस चुनाव में कई बड़े फैसले ले सकती है। माना जा रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस की मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस जी तोड़ कोशिश कर रही है। वैसे तो पार्टी हर चाल बीजेपी के साथ साथ चल रही है, लेकिन जहां तक उम्मीदवारों की बात है, पार्टी अब तक साफ नहीं कर पाई है कि उनकी सेना में कौन कौन शामिल हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश में मौजूदा विधायकों में से कुछ के टिकट काट सकती है। जिन मौजूदा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट आई है, पार्टी उनके इलाके में दोबारा सर्वे करवाएगी। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही सीटों पर उम्मीदवार फाइनल होंगे। मंगलवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए थे। बैठक में मौजूदा विधायकों की सीट को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के करीब 98 विधायक हैं। स्क्रीनिंग कमेटी इससे पहले करीब 100 विधानसभा सीटों पर चर्चा कर चुकी है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इसी हफ्ते केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाने की तैयारी में है। मंगलवार को हुई बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह समेत प्रदेश के सभी सीनियर नेता मौजूद रहे। और ईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पूरे परिवार को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने अभिषेक की मां को पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को बुलाया है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव की मुश्किल कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ईडी ने अभिषेक बनर्जी के पूरे परिवार को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। अभिषेक बनर्जी की मां लता बनर्जी को ईडी ने 6 अक्टूबर को बुलाया है, तो वहीं अभिषेक बनर्जी के पिता को ईडी ने पूछताछ के लिए 7 अक्टूबर को बुलाया है। अभिषेक बनर्जी को कल स्कूल नौकरी मामले के संबंध में पूछताछ के लिए कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में ईडी के सॉल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होना था, लेकिन वो दिल्ली में होने की वजह से पूछताछ के लिए नहीं पहुंच पाए थे। अभिषेक बनर्जी ने राजनीतिक व्यस्तता को ना पहुंचने की वजह बताया। इससे पहले 29 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने ईडी को निर्देश दिया कि उनकी निर्धारित जांच प्रक्रिया किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होनी चाहिए और जांच को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय एजेंसी कानूनी प्रावधानों के अनुसार कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कालाकोट जंगल में तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 आतंकी कालाकोट के इन जंगलों में छिपे हैं, जिनके खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। कालाकोट के जंगलों में करीब 72 घंटे से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। ये आतंकवादी ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गुफाओं की आड़ में छिपे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में सुरक्षा बलों पर गोलियां चला रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल के जवान भी सावधानी बरतते हुए डटे हुए हैं।
कि इस तीसरे दिन में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें कई सारी बाधाएं जो है वो सुरक्षा बलों को उसका सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से घने जंगल और जो पहाड़ी इलाका है और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारी जो नेचुरल केव्स हैं वो बनी हुई हैं, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में लगातार जो तलाशी अभियान है वो फूक फूक कर जो सुरक्षा बल हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि कोकरनाग और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जो आतंकी हमले हुए और जिस तरह से कोकरनाग में एनकाउंटर के दौरान जो एक बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को झेलना पड़ा, उससे सुरक्षा बल पूरी तरह से अब अलर्ट पर हैं और किसी भी तरह की यहां पर जो लापरवाही है वो नहीं बरतना चाहते। महेंद्र सिंह धोनी का विंटेज हेयर स्टाइल सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि माही पुराने हेयर स्टाइल में फिर से लौटना चाहते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नया हेयर स्टाइल एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल अब माही ने एक बार फिर अपना विंटेज हेयर स्टाइल रखा है। उनके इस लुक को देखकर फैंस सोशल मीडिया पर खूब तारीफ कर रहे हैं। जब माही ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा था तब वो लंबे बाल रखते थे जिसकी दुनिया भर में चर्चा होती थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपने बाल कटवा लिए थे। अब दोबारा उनके इन स्टाइलिश बालों को देखकर फैंस खूब वाहवाही कर रहे हैं। धोनी की पत्नी साक्षी धोनी को भी उनका हेयर स्टाइल काफी पसंद आया। उन्होंने सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलम हकीम को इस लुक के लिए इंस्टाग्राम पर धन्यवाद करते हुए लिखा, फैब वर्क। वैसे तो माही की फैन फॉलोइंग कितनी जबरदस्त है ये सब जानते हैं और समय समय पर धोनी अपना हेयर स्टाइल बदलते रहते हैं, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस हेयर स्टाइल के साथ धोनी के फैंस की खास मेमोरीज भी जुड़ी हुई हैं। और असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने असम में 5 मुस्लिम समुदाय का सर्वे उनकी सरकार कराएगी। सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। असम सरकार जल्द ही राज्य के 5 मूल मुस्लिम समुदायों का सामाजिक आर्थिक सर्वे कराएगी, जिसको लेकर अब विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने इस संबंध में राज्य सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूल मुस्लिम समुदायों जिसमें गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद और जोल्हा शामिल हैं, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने सोमवार को जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए। असम सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा केवल मुसलमानों, मुख्य रूप से ओबीसी मुसलमानों के लिए सर्वेक्षण करना बीजेपी सरकार की विभाजनकारी रणनीति है। ये बिहार सरकार के जाति सर्वेक्षण के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप कदम है। Z News.